पूरे देश में इस समय कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। देश में इस समय पिछले 24 घंटे के भीतर करीब 22,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर करीब 7,20,000 तक पहुंच गया है। ऐसे में जब सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत है, उस समय मध्य प्रदेश में राजनीति परवान चढ़ रही है। प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज बदनावर में कांग्रेस ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित तमाम पूर्व मंत्री और विधायक पहुंचे थे। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद भीड़ का नजारा देखकर नहीं लगता कि देश इस समय कोरोना के गंभीर संकट से गुजर रहा है और फिलहाल बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है। यहाँ हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हिजूम इकट्ठा हुआ और इस दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही मुंह पर मास्क की अनिवार्यता थी। यहाँ तक कि मंच पर कमलनाथ के साथ भारी संख्या में भीड़ मौजूद थी और चारों ओर लोगों की भीड़ थी और सब एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे, बल्कि खाना पीना भी चल रहा था। ना तो पुलिस ने इस दौरान नियमों का पालन करवाया और ना ही नेताओं ने नैतिकता दिखाई। लगता है कि कोरोना को लेकर जितने नियम बने हैं सिर्फ आम आदमी के लिए बने हैं। शादी में सिर्फ 50 लोगों की अनुमति और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते और राजनीतिक आयोजन के लिए कोई बंधन नहीं। विधानसभा उपचुनाव तक शायद 24 विधानसभा क्षेत्रों में यही माहौल देखने को मिलेगा। कई उपचुनाव प्रदेश के लिए अभिशाप ना बन जाए।